शिमला जिला के रामपुर बुशहर के व्यापारी अस्तित्व की लड़ाई में दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ रोज पूर्व एक गुट ने रामपुर बुशहर सर्व हितकारी व्यापार मंडल का विधिवत गठन के बाद पंजीकरण किया था। उसके बाद दशकों से निष्क्रिय चल रहे व्यापार मंडल भी हरकत में आ गया। इसी के साथ दोनों ही व्यापार मंडल अपने को सही साबित करने के लिए आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहे हैं। रामपुर बुशहर सर्व हितकारी व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता कर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराना व्यापार मंडल व्यापारियों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 अगस्त को दशकों से चल रहा है व्यापार मंडल सर्वसम्मति से भंग कर दिया था। उसके बाद फिर से उसी व्यापार मंडल के मुखिया के रूप में एक अपील भी जारी कर दी गई थी और व्यापारियों पर दाव बनाकर स्वेच्छा से सर्व हितकारी मंडल छोड़ने के लिए लिखाया जा रहा था। सर्व हितकारी व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 25 वर्षों से चल रहे व्यापार मंडल के पदाधिकारी बताएं कि अब तक इतने वर्षों में व्यापारियों के हित के लिए क्या किया। उन्होंने व्यापारियों से चंदा लेकर उसका क्या किया, बैलेंस शीट बनाई, ऑडिट हुआ। उन्होंने कहा रसदी छपवाकर व्यापारियों से रामपुर बुशहर सर्व हितकारी व्यापार मंडल की सदस्यता छुड़वाना कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्व हितकारी व्यापार मंडल हर व्यापारी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जीवन बीमा करवाएगा और इसके लिए बीमा कंपनियों से संपर्क साधा जाएगा। उन्होंने बताया कि रामपुर के सभी 9 वार्डों से व्यापारियों को लेकर एक सशक्त जवाबदेही व्यापार मंडल रखा जाएगा। सुरेश शर्मा ने बताया कि उन पर पुराना व्यापार मंडल ने आरोप लगाया है कि रामपुर के व्यापारियों से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाकर व्यापार मंडल खड़ा किया है, लेकिन ये आरोप गलत है। लोगों को व्यापार मंडल के गठन के लिए संविधान पढ़ाते हुए हस्ताक्षर करवाए और उन्होंने बताया किया कि एक कमेटी का गठन किया जाना है, उसके बाद पंजीकरण किया जाएगा। वर्तमान कमेटी में 13 व्यक्ति हैं जिन्हें आने वाले समय में बढ़ाकर 21 कर दिया जाएगा। कि एक तो उन्होंने ये उठाया है कि जी इन्होंने जबरदस्ती जो है वो साइन करवाए हैं पहले जो है, और साइन करवाने के बाद इन्होंने बगैर पूछे जो है वो अपना जो है वो व्यापार मंडल घोषित कर दिया है। परंतु हमने उसमें स्पष्ट किया था उस वक्त के मुताबिक कि ये जो है ये साइन इसलिए करवा रहे हैं कि हमारा जो व्यापार मंडल आगे बनना जा रहा है उसमें हम स्वेच्छा से आ रहे हैं और स्वेच्छा से ये जो है घोषणा करते हैं कि व्यापार मंडल नया बनना चाहिए। हमने उसके ऊपर उनके साइन करवाए, करवाने के बाद हमने जो है वो एक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में हमारे को प्रधान, उप प्रधान और बाकी अन्य सदस्य जो है जनशक्ति अन्य सदस्य जो है वो एक बनाना पड़े और उसको हम वो एक कमेटी बनाने के बाद हमने अपने SDM ऑफिस में जाके जो है वो अपना व्यापार मंडल का गठन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब उसके बाद जो है हम आगे आने वाले समय में, अभी तो हमने उस कमेटी के अंदर 13 आदमी रखे हैं और उसका विस्तार करके हम इस कमेटी को 21 आदमियों तक ले जाएंगे जिसमें कि